ax वर्ग धन bx धन c के रूप में बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। पुनः हम x वर्ग धन 5x धन 6 के गुणनखंडन पर विचार करते हैं। क्या किसी सर्वसमिका के रूप में इसे लिखकर इसका गुणनखंडन कर सकते हैं? आप देखेंगे कि इस बहुपद को हम किसी भी ज्ञात सर्वसमिका के रूप में नहीं दर्शा पा रहे हैं। इस प्रकार के बहुपदों के गुणनखंडन करने के लिए हमें उनके मध्य पद को दो ऐसे भागों में तोड़ने की जरूरत होती है जिनका योग तो मध्य पद के बराबर हो, लेकिन उनका गुणनफल बहुपद के प्रथम व अंतिम पद के गुणनफल के बराबर हो। अब हम x वर्ग धन 5x धन 6 का गुणनखंडन करके देखते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे बहुपद x वर्ग धन 5x धन 6 की। जब हम इस बहुपद का गुणनखंडन करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि हम इस बहुपद को किसी भी सर्वसमिका के रूप में दर्शा नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें उनके मध्य पद को दो ऐसे भागों में तोड़ने की जरूरत होती है जिनका योग तो मध्य पद के बराबर हो, लेकिन उनका गुणनफल बहुपद के प्रथम व अंतिम पद के गुणनफल के बराबर हो। यानी कि जब हम यहाँ बात कर रहे हैं मध्य पद, तो वो हुआ 5x और उसका जो प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल है वो क्या होगा? प्रथम पद है x का वर्ग और अंतिम पद है 6, तो इसका गुणनफल हमें मिल रहा है 6x का वर्ग। अब हमें 5x को ऐसे दो पदों में तोड़ना है जिसमें उन दोनों का गुणनफल 6x वर्ग के बराबर हो। तो हम 5x को लिख सकते हैं 2x धन 3x, और इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे 2x गुणे 3x, तो हमें मिलेगा 6x का वर्ग। इसका मतलब ये हुआ कि इस मध्य पद को हम 2x धन 3x के रूप में तोड़ सकते हैं। तो चलिए हम इस मध्य पद को दो पदों में विभाजित करके इस प्रकार लिख लेते हैं, x वर्ग धन 3x धन 2x धन 6। अब इसे जब हम हल करेंगे तो हमें करना क्या होगा? प्रथम दो पदों का जोड़ा ले ले और उसके अगले दो पद का जोड़ा ले ले। इस जोड़े से हमें क्या करना है? यह देखना है कि प्रथम दो पद में क्या उभयनिष्ठ निकाला जा सकता है और अगले दो पदों में क्या उभयनिष्ठ निकाला जा सकता है। हम देखेंगे कि x वर्ग धन 3x में x जो है वो उभयनिष्ठ निकाला जा सकता है क्योंकि वो दोनों पदों में है। हमें कोष्टक में क्या प्राप्त होगा? x धन 3। बिल्कुल उसी प्रकार अगले दो पदों में आप उभयनिष्ठ देख लें तो उभयनिष्ठ क्या होगा इसमें? 2 मिलेगा यहाँ पर कोष्टक में x धन, और 6 में 2 का भाग करके देखेंगे तो आपको कितना मिल रहा है? 3। इस प्रकार 2 उभयनिष्ठ हुआ और x धन 3 जो है वो हमें कोष्टक में प्राप्त हो गया। पुनः अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास फिर दो पद हैं जिसमें दोनों पदों में हमें x धन 3 दिखाई दे रहा है, यानी कि यह x धन 3 भी जो है वो उभयनिष्ठ निकाला जा सकता है। और फिर कोष्टक में हमें प्राप्त होगा प्रथम पद में x धन 3 क्योंकि उभयनिष्ठ निकाला जा चुका है तो मिलेगा x धन, द्वितीय पद से भी x धन 3 उभयनिष्ठ निकाला जा चुका है तो मिलेगा अंदर कोष्टक में 2। इस प्रकार x का वर्ग धन 5x धन 6 का गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है x धन 3 गुणित x धन 2। इस प्रकार यह प्रश्न हल हुआ। हमने देखा कि x का वर्ग धन 5x धन 6 का जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ था वह है x धन 2 गुणित x धन 3। इस गुणनखंडन के तरीकों को सीखने के लिए हमने जिस व्यंजक का उपयोग किया है वह व्यंजक है x धन अल्फा गुणित x धन बीटा बराबर, यहाँ पर हम गुणा करके देख लें क्या प्राप्त होगा, x का वर्ग धन अल्फा x धन बीटा x धन अल्फा गुणित बीटा। यानी कि हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, x का वर्ग धन, इन दो पदों में यदि हम x का उभयनिष्ठ ले लें
तो मिलेगा अल्फा धन अल्फा गुणित बीटा। एक्स धन अल्फा गुणित एक्स धन बीटा, इससे हमें जो व्यंजक प्राप्त हुआ है, इस व्यंजक को हम ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम किस प्रकार लिखेंगे? हम लिख सकते हैं ए गुणित एक्स का वर्ग धन बी की जगह पे हो गया अल्फा धन बीटा साथ में एक्स गुणा में, और सी के स्थान पे हो गया अल्फा गुणित बीटा। तो जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ए का मान मिलेगा एक, बी का मान मिलेगा अल्फा धन बीटा और सी का मान मिलेगा अल्फा गुणित बीटा। तो हम यहाँ देखते हैं ए बराबर एक, बी बराबर अल्फा धन बीटा और सी बराबर अल्फा गुणित बीटा। ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी के रूप के किसी भी बहुपद का गुणनखंड प्राप्त करने के लिए प्रथम पद x वर्ग के गुणांक a व अंतिम पद c का गुणा करते हैं तथा प्राप्त गुणनफल के दो ऐसे गुणनखंड प्राप्त करते हैं जिनका योग मध्य पद x के गुणांक b के बराबर हो।